लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाँ, क्या कह रही थी ताई? लाओ मेरा प्रसाद दो। ये लो, यहाँ नए घर में आ गए हैं। बड़ा अच्छा रहा, काफी जगह है और द्वारकाधीश का मंदिर भी पास ही है। लगता है आज आप बहुत खुश होता है। जब से हम यहाँ आए हैं, ये बात आप बार बार बोल रही हैं। लेकिन मैंने तुझे ये कहने के लिए नहीं बुलाया, समझे? पता है, द्वारकाधीश का प्रसाद देने के लिए। लेकिन ये भी तो आपके दिनचर्या का हिस्सा ही है। हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन मैं तुझसे एक और बात कहना चाहती हूँ। अच्छा, कहो। सुना है आजकल तेरा हाथ बड़ी तंगी में है, पत्रिका निकालने में बड़ी कठिनाई हो रही है। तंगी का दौर है ताई, सभी लोग बहुत परेशानी में हैं। लेकिन तुम्हारी परेशानी अलग तरह की है बेटा, ये भगवान का काम है, इसे ठीक से चलना ही चाहिए। ऐसा करते हैं, वो जगह भेज देते हैं, उससे जो पैसा मिलेगा तुम्हारे काम आ जाएगा। नहीं ताई, गांव का पैसा गांव में ही लगना चाहिए, भगवान कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। उपाय है। क्या उपाय है बहू? ये लीजिए माताजी, आप इन्हें बेचकर या गिरवी रखकर अखंड ज्योति का काम आगे बढ़ाइए। मुझे इन गहनों की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं बहू, इन्हें अपने पास ही रख। नहीं ताई, ये मेरा धर्म है। आपने मुझे इस घर में लाते वक्त कहा था कि अखंड ज्योति की देखभाल का दायित्व तुम्हारा ही है। लेकिन वो पूजा कक्ष में जल रहे दीपक के लिए था बहू। ये अखंड ज्योति पत्रिका भी एक दीपक की ही भांति है, इससे भी ज्ञान, कर्म और भक्ति का प्रकाश फैल रहा है। तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई बहू, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटी। नई जगह तलाशनी चाहिए, ज्यादा बड़ी जगह के लिए ज्यादा संसाधन चाहिए। गुरुदेव ही कोई मार्ग समझाएंगे, गायत्री माता ही उपाय करेंगी। लेकिन साधुओं की संख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तपोभूमि के लिए यह स्थान उचित है। शहर से थोड़ा दूर है। हाँ, लेकिन साधना के संस्कार यहाँ उपलब्ध हैं। मुझे याद पड़ता है, बचपन में एक बार अपने पिता के साथ यहाँ आया था, तब हमें एक सिद्ध संत के दर्शन हुए थे। उन्होंने बताया था कि भविष्य में यह जगह पहचानी जाएगी। वहाँ रास्ते में गायत्री टीला भी है ना गुरुदेव, वहाँ गायत्री के सिद्ध संत भी हैं। हाँ है, वो जगह हम देख चुके हैं। वहाँ की मिट्टी भूरी भूरी और रेतीली है, वहाँ निर्माण नहीं हो सकता। फिर कुछ आगे चलकर श्री कृष्ण जन्म स्थान भी है, और उस जगह से आगे वृंदावन की ओर चामुंडा का स्थान भी है। कहते हैं वहाँ शक्तिपीठ है। लेकिन हम लोगों के लिए यही जगह ठीक है। यहाँ के जल का परीक्षण हो चुका है, इसमें साधना और तेज का प्रभाव है, सीधा यमुनोत्री से जुड़ा हुआ है जी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह दुर्वासा की तपोस्थली है, उन्होंने यही गायत्री तप किया था। चलिए आगे देखें। आइए। हाँ,
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपकी सम्मति है ना गुरुदेव? सम्मति ही नहीं, आशीर्वाद और सहयोग भी। उस स्थान के संस्कार कुछ धूमिल पड़ गए हैं। उन्हें जगाने के लिए तप अनुष्ठान और यज्ञ मात्र करना होगा। उस संबंध में गुरुदेव जो भी निर्णय लेंगे उनका पालन करूंगा गुरुवर। अभी यहाँ तपोभूमि बनाने का निश्चय हुआ है। तुम्हारा संकल्प निश्चित ही पूर्ण होगा। सभी ऋषि सत्ताओं का स्नेह तुम्हें प्राप्त है, तुम अपना काम प्रारंभ करो। निर्माण कार्य आरंभ होने के बाद निरंतर चलते रहना चाहिए, चलेगा और बिना रुके कार्य पूर्ण भी होगा। अभी साधनों का अभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन उस कारण कार्य में रुकावट नहीं आएगी। आवश्यकता अनुसार साधन जुटते रहेंगे, इसलिए कभी चिंतित मत होना वत्स। जी गुरुदेव। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा के समय तुम स्वयं एक कठोर तप करना और तपोभूमि में भगवती का विग्रह स्थापित करते समय साधकों को भी तप अनुष्ठान में लगाना है। यज्ञशाला में एक अखंड अग्नि की स्थापना करना, साधना कक्ष के अखंड दीपक की ही भांति। तुम्हें 18 वर्षों तक अपनी गतिविधियों का केंद्र इसी स्थान को बनाए रखना है। इस बीच गायत्री साधना और विद्या के प्रसार का कार्य गति पकड़ लेगा। जो आज्ञा गुरुदेव। गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व यज्ञशाला में पंचकुंडीय महायज्ञ निश्चित हुआ था। गायत्री के विग्रह से दाहिनी ओर कक्ष में 2400 तीर्थों से लाई रज और वहां का जल तथा बाईं ओर वाले कक्ष में साधकों द्वारा लिखे गए गायत्री मंत्रों की स्थापना की गई।
आप लोग घी में भीगी हुई रुई बत्ती को यज्ञ कुंड के समिधाओं के बीच रख दें। उनके अग्नि मंथन से ही प्रकट होंगी। बाहर से अग्नि स्थापन नहीं करना है। प्रधान कुंड के जिस अग्नि की स्थापना की जा रही है उसके संबंध में हमारे गुरुदेव ने कहा है कि वो 700 वर्ष पुरानी है और हिमालय से लाई हुई है। गुरुदेव ये कहां से पधारे हैं? उस स्थान से पधारे हैं जहां बैठी ऋषि सत्ताएं इस आयोजन का संचालन कर रही हैं। ये उन्हीं का प्रतिनिधित्व करने आए हैं। यज्ञशाला में अखंड अग्नि की स्थापना तो हो गई, अब मां गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा शेष है।